मॉर्निंग आप सभी को और इस नया साल का हैप्पी न्यू ईयर। और गाइस आज का ब्लॉग यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत दिन के बाद ब्लॉग ला रहे हैं और आज बहुत मस्ती करेंगे आप लोग और ये सब देख सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो हो सकता है कि मुझे पहचान ही गए होंगे। अगर नहीं पहचाना है तो हम अपना पहचान दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में जो अमित भाई के साथ आया था मैं वही हूँ, मतलब आरके भाई, नाम आरके भाई है। और तो गाइस यहाँ से आज ब्लॉग शुरू होता है कि आज हम लोग जा रहे हैं, आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये कैसी खास जगह है जो हम जा रहे हैं, आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको सब पाए पाए दिखाते रहूँगा। ओके, तो देख लीजिए अभी अमित भाई यहाँ ड्राइविंग कर रहा है, तो देख लीजिए। चलिए आपको पूरे ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग घूमते हैं पूरे दिन भर में। दोस्तों हम आ चुके हैं, आधा दूर ट्रैवल कर लिए हैं। गाइस आज हम दिखाते हैं इस सब का नज़ारा जो कि बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं किस तरह से इधर गांव और शहर होता है और आपको हम पूरी तरीके से दिखाएंगे बैक कैमरे से। तो गाइस देख सकते हैं यहां पर किस तरह बेहतरीन हमारे गांव का नज़ारा है, ये सब इधर देख सकते हैं आपको किस तरह से दिखा रहे हैं आपको। ये चौक देख सकते हैं यहाँ पर और ये देख सकते हैं कितना कोहरा कोहरा है यहाँ पर लगा हुआ है। और ये इधर कहलगांव का रास्ता है जो कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं वहाँ का किस तरह से हमारे गंगा जी जो है किस तरह से लंबा और चौड़ा है और कितना बेहतरीन देखने में लगता है वहाँ का नज़ारा आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चलते हैं अपने सीधा। देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कोहरा कोहरा और यहाँ से वहाँ तक बंजर जमीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इसमें से जो कि सावन में होता है यहाँ पर पानी बहुत ही अधिक आ जाता है, इस वजह से यह बंजर जमीन है। और इधर गांव का नज़ारा देख रहे हैं और ये सब आपको पेड़ दिख रहा है। आपको हम हर एक चीज़ यहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे यही रहेगा राय कि आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आपका वो टाइम सवार का ख़त्म होता है क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं बहुत जल्द उस जगह पे भी आपको ले जाएंगे जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। और यह वह शहर है जो कि यहाँ पे ये शहर पार करना पड़ता है तब जाके वह नदी आता है गंगा जी। और इसे पार करने के बाद वह आपको खूबसूरत नज़ारा जो कि आपको देखने के लिए चाह रहे हैं तो आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गली है और वह गली पार करना पड़ता है, ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मतलब गली है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि वो पावन जगह पे हम आ चुके हैं, तो यही वो पावन नदी है जो इस नदी का बहुत ही पानी शुद्ध माना जाता है। ये पानी बहुत
बहुत दूर दूर से लोग यहाँ नहाने आता है और स्नान करके जाता है। वही पानी अभी हम लोग यहाँ लेने के लिए आए हैं और उधर जो वो दिख रहा है वो पहाड़, वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए। और हाँ गाइस, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए और यहाँ का पानी ले जाता है जो कि शुद्ध माना जाता है, और यहाँ का पानी से लोग स्नान भी करते हैं। और बहुत ही चौड़ाई नदी है, आपको दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं नाव पे किस तरह से लोग बैठ करके पूरा नदी का सैर करता है। हम लोग भी पूरा नदी का सैर करेंगे इस नाव पे चढ़ करके। और वह दोनों मंदिर जो है जहाँ पर आपको पर्वत दिख रहा है, ये दिखाने का हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये दोनों पर्वत में हम लोग घूमने के लिए जाएंगे और पूरा नदी का सैर करेंगे। तो गाइस चलते देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर उस पर्वत में घूमने के लिए हो गया प्लान कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस आ चुका है और वह घूमने के लिए वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर ठंड है और नदी में काफ़ी तेज़ जो है रेत चल रहा है, वो काफ़ी तेज़ पानी चीरते हुए नदी को जा रहा है। इस वजह से वहाँ पर लोगों को खतरा से बचने के लिए यहाँ पर पुलिस आए हुए है और ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी घूमने जाएंगे उसे पीटा जाएगा, पूरी तरीके से उसका जो है ना पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। इस वजह से हम लोग भी इस प्लान को कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि हम लोग का पिछवाड़ा लाल करवाना नहीं है। तो गाइस अगले बार अगर घूमने के लिए आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी वेट करने के बाद पुलिस वाला जो कि जा रहा है अब जाने वाला है पुलिस वाला, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और ये सब कोई उसी जहाज का, उसी मतलब नाव का वेट कर रहा है जो कि वहाँ पर आ रहा है, बट यहाँ पर पुलिस वाले घूमने के लिए मना कर दिया है। तो क्या, तो गाइस हम लोग वहाँ पर घूमने जाने वाले थे जहाँ आपको घूमने ले जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर हम नहीं जा पाए क्योंकि पुलिस आ गए थे और वह सब क्या मतलब वहाँ घूमने नहीं जाने जा रहा है। तो गाइस अगले बार अगर घूमने आएंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने के बाद फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज और भूख भी लग चुका था। तो गाइस यहाँ होटल में आके रुके और यहाँ पर फ़ोन को चार्ज किया और वीडियो शूट करना चालू कर दिए। तो गाइस भूख लग चुका था और यहाँ पर हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं खाने के लिए स्टार्ट भी हो चुका है। यह है बिरयानी और ये है हमारे हनवारा शहर में जो कि बहुत ही अच्छा बिरयानी बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।